जिसकी आवाज एक नंबर। तो भाई जैसे कि अभी आपने मैंने आपको सिनेमैटिक्स दिखाए सारी बाइक्स के, क्योंकि आज हम सारी बाइक्स कवर करने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको सिनेमैटिक्स बहुत पसंद आए होंगे। बाकी ये जो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, इससे भी अच्छी अच्छी आवाज़ें सुनने को मिलेंगी अभी। तो अभी फिर से आ चुके हैं हमारे साथ पाजी, जो लास्ट वीडियो था भैया ने एडिट करा था, कैसा लगा ये ज़रूर बताना। लास्ट टू लास्ट था, थोड़ी सी मेहनत मैंने भी करी है। मैं कहा चलो एक वीडियो अर्जुन ने ख़राब कर दी, दूसरी वीडियो मैं थोड़ी अच्छी कर देता हूँ। तो उसके अंदर रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला मुझे, थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही यार सपोर्ट करते रहो, बड़ा अच्छा लगता है यार, बहुत पॉजिटिविटी से फील होती है। सब्सक्राइबर का भी फोन आया था, ही वाज फ्रॉम कहाँ से, सऊदी से थे, सऊदी से कॉल आ रहा है कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो उसके बाद जो वीडियो आई वो ज़्यादा ही बढ़िया आई, बस वही है। तो उसी के लिए थैंक यू सो मच यार, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को ऐसे। उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया टाइम पे फोन करा था, जब हम एकदम बढ़िया सी वीडियो शूट कर ही रहे थे और मैडम का फोन आ गया, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने एक बार कुछ नया कर लेते हैं, कुछ डिफरेंट कर लेते हैं। और अगर किसी को लग रहा वो स्क्रिप्टेड था तो ऐसा कुछ होता तो है नहीं, नंबर भी देख लिया था मैं, तो अब रिचार्ज भी नहीं करता, आउटगोइंग कॉल भी नहीं हो सकती। सऊदी से होने आया था भाई, नंबर भी दिखाया था, कॉल करके पूछ लेना है। काफी कॉल्स आते हैं मेरे को, एंड आज तो मैंने अटेंड करे बड़े सारे। एंड माय अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू एवरीवन हु इज फ्रॉम सऊदी, यूएई, दुबई, जितने भी हमारे मिडिल ईस्ट से मेरे दोस्त यार हैं, जो मेरे भाई बंधु मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम है एंड थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे सपोर्ट करते रहो। बड़ी दूर दूर से वीडियो देखते हैं लोग हमारी, ये तो देखते हैं। वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फेमस हो गया तू अर्जुन। अच्छा मैं सिर्फ और नहीं तो क्या। सो गाइस आई होप आपको आज के भी सिनेमैटिक्स पसंद आए होंगे। इस बार की क्वालिटी थोड़ी सी फिर गिरा दी है, क्योंकि अर्जुन थोड़ा सा मेहनत कम करता है, तो इसलिए फोन से काम कर रहे फिर से। सो सिनेमैटिक्स में आपने देख लिया होगा कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दिखा भी नहीं पाया, सारी बाइकें दिखाओ, सारी बाइक से एक पूरा लॉट की वीडियो बनाओ। तो दिस इज इट, आज मैं आपको एक बार फिर से मिस्ट्री बॉय ब्लॉग से चैनल पे ही कलेक्टिव बाइक की वीडियो दिखाऊंगा, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी बाइक्स कोशिश करेंगे कवर करने की, बाकी जितनी हो पाएंगी मेहरबान हो हमारा भगवान, जब तक रोशनी है तब तक कर लेंगे। सो गाइस जैसा कि आपने सिनेमैटिक्स देख लिए होंगे, इस वीडियो के अंदर एक होने वाला है कलेक्टिव शॉट। कलेक्टिव मतलब जितनी मेरे पास कलेक्शन है सरस्वती मोटर्स के पास, आज आपको कोशिश करूंगा कि सारी की सारी मैं वो दिखा दूं। सो बड़ा रैंडम सा वीडियो होने वाला है, इसके अंदर मैं कुछ सेगमेंटेड नहीं करने वाला हूं। तो जो जो बाइक्स मेरे को अभी सामने दिख रही है उनको कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने यही खड़ी है क्रूजर्स के अंदर हार्ले डेविडसन की स्ट्रीट रॉड। अब एक बेसिक स्ट्रीट भी है मेरे पास, ये सामने खड़ी हुई है जो आप चेरी कलर की देख रहे हो, स्ट्रीट रॉड भी मिल जाएगी, इसके अलावा आयरन भी है। तो ये जो स्ट्रीट रॉड है ये 2017 मॉडल की है, गाड़ी चली हुई लगभग 5000 किलोमीटर, इसके अंदर लगा हुआ है आपका कस्टम एग्जॉस्ट 4800, थोड़ा सा फोर ख़राब हो गया, इसमें लगा हुआ है कस्टम एग्जॉस्ट, साथ ही साथ में लगा हुआ है लेग गार्ड, हैंडल बार ग्रिप्स और LED हेडलाइट। इस बाइक का जो प्राइस में रखा हुआ है दैट इज गोना बी 4,50,000, विच इज़ अगेन फर्दर नेगोशिएबल। इसी प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको 2018 मॉडल की मैं स्ट्रीट भी दे दूंगा, 2018 मॉडल की आपको 4.25 लाख रुपए की, सिर्फ 3500 किलोमीटर चली हुई, 3500 मॉडल, 18 मैन्युफैक्चर, 18 रजिस्टर्ड, 3500 किलोमीटर चली हुई, LED हेडलाइट इसमें भी लगी हुई है, लेग गार्ड लगा हुआ है, बैकरेस्ट लगा हुआ है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ये आपको मिल जाएगी 4.25 लाख रुपए की। इसी के साथ ये ABS वाली है, ABS, हाँ जी, ये साथ में नॉन ABS वाली खड़ी है चेरी कलर की गाइस। ये जो गाड़ी है चलिए लगभग 15,000 किलोमीटर, 2015 मॉडल है, इसमें स्क्रीमिंग ईगल का ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगा हुआ है,
स्क्रीमिंग ईगल का ही एयर फिल्टर लगा हुआ है गाइस। ये फायर रेड कलर है, चेरी कलर कह सकते हो, काफी बढ़िया कलर है। गाड़ी चली लगभग 15,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर डन, डेजी रजिस्टर्ड है। ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे 2,75,000 रुपये की, 2,75,000, वो भी नेगोशिएबल है, प्राइसेस फिक्स नहीं है। आपको जितने प्राइसेस बता रहा हूँ सारे प्राइसेस नेगोशिएबल हैं। और इसी रेंज की अगर बात करें अंडर 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख के अंदर, इसमें बस एक और ऑप्शन भी है, थोड़ा पीछे खड़ा हुआ है UP16, आप देख सकते हो जो यहाँ पे ये खड़ा है, ये वाली एग्जैक्टली, ये 2000, ये भी 2014 मैन्युफैक्चर है बट 2015 रजिस्टर्ड है। ये गाड़ी आपको मिल जाएगी 2.5 लाख रुपए की, ओनली फॉर 2.5 लाख्स, वो भी फर्दर नेगोशिएबल है। अगर बात चल रही क्रूज़र के अंदर, मेरे पास एक और भी है जो कह लो बिल्कुल देसी है, वो खड़ी है आपकी यहाँ पे रॉयल एनफील्ड कॉन्टीनेंटल GT650। नाउ दिस इज़ अ पैरेलल ट्विन मशीन, अनलाइक हार्ली डेविडसन जो वी ट्विन होती है, ये पैरेलल ट्विन है। काफ़ी सारी इसी वीडियोस में बता चुका हूँ, नॉलेज दे चुका हूँ, बट जो लोग नए आए हैं उनको भी नॉलेज देता हूँ। ये पैरेलल ट्विन है, स्मूथ है, मतलब इनलाइन टू कह लो, अगर लेमैन टर्म्स में बात करें इनलाइन टू, एक ही लाइन में दो सिलेंडर्स हैं। 650 cc's, 2019 मॉडल है और लास्ट की गाड़ी है, एंड की है, सिर्फ 2000 किलोमीटर चली हुई है, ओनली 2000 किलोमीटर डन। वेंचोरा ब्लू, नाउ दिस कलर स्कीम इज़ वेरी लिमिटेड, वेरी रेयर। ये वेंचोरा ब्लू कलर स्कीम है, इसके अंदर एक्सेसरीज की बात करें तो ये फ्रंट वाइजर लगा हुआ है, टॉल विंडस्क्रीन, इसकी एग्जॉस्ट लोअर्ड करे गए हैं, थोड़े से नीचे करे गए एग्जॉस्ट, ये पत्ती आप देख रहे हो यहाँ पे लगी हुई है जो नीचे करे गए हैं, ये बड़े अच्छे से तरीके से वेल्डिंग करके इसको गर्म करके फिर नीचे करे गए हैं। साथ में उसमें बैकरेस्ट लगा हुआ है और इसमें आपको सेंटर स्टैंड भी मिलता है, सेंटर स्टैंड की भी एक्सेसरी, हाँ जी, इसमें सेंटर स्टैंड की भी एक्सेसरी लगी हुई है, बाय डिफॉल्ट नहीं आता है। सिर्फ 2000 किलोमीटर चली हुई, LED लाइट भी लगी हुई है, छोटी मोटी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, अभी जला के दिखा देते हैं, वो भी दिखा देता हूँ। इसका जो प्राइस हम रखा हुआ है दोस्तों, दैट इज़ गोना बी 2,75,000, विच इज़ अगेन फर्दर नेगोशिएबल, 2,75,000 रुपये में आपको एक काफ़ी सारे ऑप्शन मैंने दिखा दिया आपको, मतलब अंडर 3 लाख्स काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यही मांगते तो, रहते हैं मोस्टली लोग मांगते हैं कि भैया कुछ सस्ती टिकाऊ सुंदर बाइक मिल जाए, तो ये ऑप्शन फिलहाल मेरे पास है। तो चलिए आपको कुछ अब डिफरेंट दिखाता हूँ फिर से अंडर 3 लाख्स के अंदर, चलिए लेट्स गो। सो गाइस, जैसा कि मैं एक बजटेड सेगमेंट की बात कर रहा था, 3 लाख के अंदर मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, एक वीडियो ख़राब हो गई थी मेरी अनफॉर्चुनेटली, उस वीडियो के अंदर जो मैंने एक बाइक दिखाई थी आपको, उसमें से एक बाइक थी यामाहा की R3। अब ये जो बाइक है, हाँ जी, R3 है भाई, 310 नहीं है, किसी को 310 बता दी अभी, कोई बात नहीं, आपकी नॉलेज की कमी है, फिर भी यूट्यूब से का चैनल चला रहे हो, कोई बात नहीं, शिट हैपेंस। तो ये है यामाहा की R3, नाउ दिस इज़ अगेन अ पैरेलल ट्विन इंजन, 300 cc, अगर स्पेसिफिक बात करें तो 321 cc का इंजन है इसके अंदर, वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल बाइक्स, सबसे खतरनाक है, जल्दी जल्दी बताऊंगा। 2017 मॉडल है, 17,000 किलोमीटर चली हुई है, ये कलर स्कीम करी हुई है, पेंट पूरा करा हुआ है बाइक के ऊपर, इस कलर में R3 नहीं आती है, तभी एक बहुत लिमिटेड है ये बाइक, इसीलिए मैंने एक खास लिमिटेड एडिशन वीडियो बनाई थी जो अर्जुन ने ख़राब कर दी, जो कुछ ज़्यादा ही अच्छी वीडियो थी, 17,000 किलोमीटर चली हुई है, थोड़ी सी स्क्रैचेस हैं, गाड़ी इतनी साफ नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, बट मैकेनिकली दिस थिंग इज़ परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। आसिंग प्राइस है 2.25 लाख रुपये, 2,25,000, वो भी नेगोशिएबल है, जल्दी से आके ग्राब दिस डील। इसी के साथ में खड़ी है निंजा की, कावासाकी निंजा 650, नाउ गाइस दिस इज़ 650 cc, अगेन पैरेलल ट्विन इंजन, 2014 मॉडल है। एक्सेसरीज की बात करो तो इसके अंदर ये लगा हुआ है फ्रंट काउल, टॉल विंडस्क्रीन, साथ ही साथ इसमें नीचे आप देखोगे तो ये लगी है स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइंस, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की आपको एक्सेंट्स आ रही है। उसके अलावा बाइक स्टॉक है, लगभग 18,000 किलोमीटर चली हुई है, HR26 गुड़गांव रजिस्टर्ड है, ये आपको मिल जाएगी ओनली फॉर 290, 2,90,000 रुपये की आपको निंजा 650 मिल जाएगी, वो भी प्राइस नेगोशिएबल है। अब इसी के साथ 650 के साथ खड़ी है हमारी आपकी सबकी फेमस बाइक, भाई इस पे पर्टिकुलर बनी, बहुत लोगों ने बताया था यार किसकी बाइक है, सब लोग पहचानते हैं, सो हैट्स ऑफ टू गाइस, यार यूट्यूब पे फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है इनकी भी, तो शाउट आउट टू साहिल भाई फ्रॉम SC यूनिट मोतीनगर में, इनका काफ़ी अच्छा सा एक आउटलेट है, वहाँ पे कस्टमाइजेशन होती है, उन्हें ये बाइक है, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे, कमेंट्स बहुत सारे आए थे, अगेन अभी भी चाहिए कमेंट अगर चाहते हो, अगेन इसने ख़राब कर दी अर्जुन ने, एक स्पेशल एडिशन वीडियो, तो इसके ऊपर भी अगर चाहते हो, थोड़ी सी गंदी है, डोंट माइंड, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करो एक बारी, बता दो, कूलेंट भी नहीं चलती ना ये, तो वोडका भी चलती,
ये बाइक सेट रहती है हमेशा। तो आप मेरे तो कमेंट सेक्शन में बता दो जोक्स पार्ट, बाइक इज रियली गुड, रियली लाउड। इसके अंदर मेरे पास बताने के लिए कम से कम एक घंटे से भी ज़्यादा का टाइम चाहिए मेरे को। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि कितने प्यार से, कितनी मेहनत से और कितना पैसा साहिल भाई ने इस बाइक के ऊपर लगाया हुआ है। और प्राइस की भी बात करेंगे, तो इसके ऊपर वीडियो को चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो। बाकी इसके साथ में फिर खड़ी स्ट्रीट 750 जो आपको बता रहा था, 2014 मॉडल है, 15 मैन रजिस्टर्ड है, 2.5 लाख रुपए की सिर्फ। और इसी के साथ एक बजट सेगमेंट में खड़ी हुई है हमारे पास बेनेली की 300, दिस इज TNT 300। मस्त बाइक है, इसकी आवाज़ सबसे प्यारी है इस सेगमेंट के अंदर। इसमें कस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, HIDs लगी हुई हैं आगे, क्रैश गार्ड लगा हुआ है। बाइक 2017 मॉडल है, 27,000 चली हुई है। और प्राइस के बारे में बात करें तो ये भी दोस्तों आपको मिल जाएगी 2.25 लाख रुपए की, 2,25,000 रुपये ओनली। और वो भी प्राइस थोड़ा बहुत आगे नेगोशिएबल है, दिस वाज अबाउट 300 and 650 cc's। तो चलिए अब कुछ और दिखाता हूँ, डिफरेंट यूनिक दिखाता हूँ, आइए। सो गाइस, हार्ले डेविडसन की अगर बात करें तो हार्ले के अंदर मेरे पास काफ़ी अच्छी वैरायटी है, काफ़ी अच्छी रेंज है, जैसा आप देख रहे हो बड़ी सारी दिखाई है। तो चलिए मूविंग डाउन टू वन अदर डिफरेंट यूनिक बाइक, विच इज़ गोना बी योर आयरन 883। भाई ऐसा एग्जॉस्ट तो मैंने खुद पहली बार देखा है। बस ये बाइक भी पहली बार ही देखी है तूने। दिस इज हार्ले डेविडसन आयरन 883। ये दोनों बाइक्स खड़ी हैं आमने सामने बिल्कुल साथ में। अब दोनों के बीच में फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है, देखने में तो बिल्कुल सेम लग रही है। ये शोर बड़ा इरिटेट करता है बुलेट का। एनीवेज, अब इन दोनों की बाइक से बात करें, पहले आपको इस अलॉय बीच में डिफरेंस दिख जाएगा। इसका अलॉय देखो, इसका अलॉय देखो। मेरे को पता है कि ये ऐसे अलॉय कैसे लगते हैं, लाइटिंग है, मैं क्यों नहीं आती थी। हाँ वही है, वही है, बिल्कुल सही, वही है, ये बोलती है। ये जो बोलेगी पीछे से बोलेगी, हाँ अभी बोलेगी पीछे, सुना तो इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, गालियाँ देगी तेरे को। सो गाइस, ये जो बाइक है, दिस इज़ आयरन 883। एंड बेसिक ओवरव्यू अगर दे दूँ इन बाइक्स का, 883 cc का इंजन है, एज अ नेम्ड नोट्स, वीटवेन इंजन। असली हार्ले की फील और जो कैरेक्टर है, दैट समवेयर और द अदर स्टार्ट्स विद आयरन। पहले एक सुपरलो आती थी, सुपरलो भी अच्छी बाइक थी, असली मज़ा इसके अंदर है। स्ट्रीट में वो फन नहीं है जो एक फन आयरन में है चलाने का, सीट का अपना मज़ा है। ये 2016 मैन्युफैक्चर्ड है और 17 रजिस्टर्ड है, दिस इज़ द न्यू आयरन 883। इसकी खासियत ये है कि ये चलिए सिर्फ 1900 किलोमीटर और सामान से लप्पा लप भरी हुई है, 1953 जब अर्जुन पैदा हुआ था। तो ये सिर्फ 1900 किलोमीटर चली हुई है। एंड सामान की बात करें तो इसके अंदर लगा हुआ है लेग गार्ड विद LED हेडलाइट्स, LED फॉग लाइट सॉरी। साथ ही साथ इसमें लगा हुआ है स्क्रीमिंग ईगल का हैवी ब्रीदर एयर फिल्टर। इसके अंदर से ब्रीद हो जाता है क्या लगा? ये बीच में कवर है इसका, एक सिंथेटिक कवर है, ये भी हट जाएगा। और उसके अलावा बहुत कुछ है इस बाइक के अंदर, सीट्स हो गई। तो कैसे एक्सेसरी सी जैसे आपको बता रहा था इसके अंदर, उसमें से टैंक कैप भी लगा हुआ है, लॉकेबल सीट्स लगी हुई है, एक्स्ट्रा पैरेड रियर सीट लगी हुई है, रियर फुटरेस्ट लगा हुआ है। मेन ये 2:1 वैंसे 9 का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, जिसकी आवाज़ एक नंबर। इसकी आवाज़ पहले आपको सुना देता हूँ क्योंकि मेरे से वेट नहीं हो रहा, कहीं मैं बाद में भूल ना जाऊँ। एक नंबर आवाज़ है, आपको कैसी लगती है अब नीचे एक बार ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड स्टैंडिंग राइट बिसाइड टू दिस वन इज़ योर अगेन हार्ली डेविडसन आयरन 883। ये जो बाइक है दोस्तों, दिस इज़ 2015 मैन्युफैक्चर एंड 16 रजिस्टर्ड। अभी ग्लॉस ब्लैक इसके अंदर पेंट स्कीम थोड़ी सी ग्लॉस ब्लैक कर रखी है, जो आती नहीं है बट करा हुआ है, दिस ऑल्सो लुक्स वेरी गुड। अब इसके अंदर भी एक्सेसरीज की बात करें तो इसमें स्क्रीमिंग ईगल के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, ये सीट लगी हुई है, काफ़ी एक्स्ट्रा पैडेड सीट है फॉर नेक्स्ट लेवल कंफर्ट। जो इसमें कंफर्ट मिलेगा ना आपको, अनडाउटेडली किसी बाइक में नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ इसमें आगे LED हेडलाइट लगी हुई है, लेग गार्ड लगा हुआ है। गाड़ी चली है लगभग 15,000 किलोमीटर एंड इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 5.25 लाख रुपये, इसका प्राइस है 7 लाख रुपीज़, दोनों के प्राइजेस नेगोशिएबल है। सो गाइस, जैसे कि अब हम आगे शोरूम के अंदर, यहाँ पर भी कुछ बाइक्स हैं जो मैंने पहले नहीं दिखाई हैं। वन ऑफ देम इज़ योर CBR, होंडा CBR 650F। नाउ दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड, एक स्पोर्ट्स टूरर मशीन कह लो या डेली ड्रिवन काइंड ऑफ अ बाइक कह लो।
650cc के अंदर, ये भी एक इनलाइन फोर मशीन है अनलाइक योर निंजा 650, वो एक ट्विन सिलेंडर है। इसको भी चालू करके अभी इसकी भी बात सुनाते हैं। ये चलिए लगभग 12,000 किलोमीटर, मैं आपको इसको वो दिखा देता हूँ, 11,711, ऑलमोस्ट 12,000 ही मान लो। सो लगभग 12,000 किलोमीटर चली हुई है। इसके अंदर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है जो एक्सिल की तरह लगता है, विच इज़ वेरी लाउड। थोड़ा ये अर्जुन का ही बैग बिस्ता पड़ा हुआ है, डोंट माइंड। तो चलिए इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ है यार। इसकी आवाज़ कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। जिस इनलाइन फोर वेरी लाउड वेरी ब्रूटल, 2017 मॉडल है ये, लगभग अगेन 12,000 किलोमीटर चली हुई है, एमपी रजिस्टर्ड है। तो मेरे भाइयों जो एमपी से हो, भोपाल से हो, तो आपको बाइक चाहिए तो जल्दी से आ जाओ, वीआईपी रजिस्ट्रेशन है, और जल्दी से आ जाओ, ये डील है आपके लिए। एंड इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस हम रखा हुआ है दैट इज़ वन ऑफ 6 लाख रुपीज़, 6 लाख रुपये है, विच इज़ अगेन फर्दर नेगोशिएबल ऑन द टेबल। सो गाइस, अब कुछ ऐसी बाइक दिखाऊंगा आपको जो आपने देखी है पहले ही, एक उस पर स्पेशल वीडियो आ चुका है और काफ़ी प्यार दिया है, और उस पर 1 लाख व्यूज़ होने लग गए हैं, हो चुके हैं मेरे हिसाब से अभी तक तो, एंड कमेंट्स की भरमार है। और वो जो बाइक है वो खड़ी है मेरे पीछे, दिस इज कावासाकी ZX10R। काफ़ी अच्छी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, अगर नहीं देखी है तो देखो जाके। बिल्कुल देखना बनता भी है क्योंकि वन ऑफ अ काइंड मशीन है। ऑल दो दिस बाइक इज़ नाउ सोल्ड, ये बाइक मैंने बेच दी है, दिस इज़ अभी वेट कर रहा हूँ इसकी डिलीवरी के लिए, वी हैव टू पार्ट वेज, बेचारी जा रही है मेरे से दूर, बट हेल ऑफ अ बाइक इसके जैसी। एक बार भी से मैंने 3-4 बार राइड करी है, हमारे जो बनी पाजी है वीली बॉय बनी, उन्होंने भी इस पर एक ब्लॉग शूट करा हुआ है, उनके चैनल पर जाके भी आप देख सकते हो, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, हम इकट्ठे राइड करते हैं सारे, तो ये बाइक वहाँ पर भी शोकेस हो गई है। एक नंबर मशीन है लिटरली, बट बिक गई है, ये जाएगी तभी कोई दूसरी आएगी। सो दिस बाइक इज सोल्ड। इसका वीडियो और इसके एक छोटा भाई कह लो या इसी का एक कज़न भाई कह लो, वो तो साथ में खड़ा है वहाँ पे, इन दोनों का भी लास्ट वीडियो आपने देखा, उस पर भी काफ़ी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे, मैंने मेहनत बहुत करी थी उसके ऊपर, इनकी भी डिटेल्स आपको पता ही हैं, दोनों का लिंक फिर से डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन में डाल देगा कहीं पर, थोड़ी मेहनत करता नहीं है लेकिन कर लेगा, तो वहाँ पर जाके भी आप देख सकते हो। अगर आपका मिस आउट हो गया व्लॉग तो इन दोनों के ऊपर एक स्पेशल व्लॉग बनाया था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी से मैंने शूट करा था, वो भी आप देख सकते हो। इसमें खड़ी हुई दिस इज़ और सुजुकी हायाबूसा। अब ये जो बाइक है ये आपके सामने है, बड़ी प्यारी लग रही है, इसके अंदर काफ़ी कुछ सामान लगा हुआ है। इसका भी वीडियो देखना चाहते हो तो कुछ स्पेशल वीडियो बनाए, क्या कहता है अर्जुन? सो सामान इसमें काफ़ी अच्छा लगा हुआ है और पैसे इसके काफ़ी रीजनेबल हैं, पैसे बहुत ही कम हैं। तो ये बाइक अगर आप देखना चाहते हो तो कुछ स्पेशल बाइक से, जैसे ये हो गई एक बनेली 600i, मैंने आपको बताई थी जैसे ये खड़ी है पीछे, उसके अलावा और भी मेरे पास 2-3 बाइक्स हैं, ऐसी कुछ स्पेशल बाइक्स हैं जो अगर आप देखना चाहते हो नीचे कमेंट्स करो, जो आप कमेंट करोगे, जो लोग आप जो भी कुछ चाहते हो वो आपके लिए मिलेगा। एंड सरस्वती मोटर्स आपको पता ही है कहाँ ना है, करोल बाग में, हमारी ये पार्किंग भी फेमस हो चुकी है, जाए पार्किंग दीजिए तो समझ जाना कि मेरी दुकान इसके सामने ही है, थोड़ा सा एग्जैक्टली, दैट्स इजीली वायबल, बड़ा इजी रास्ता है, पार्किंग की एम्पल स्पेस है, यू कैन कम ओवर, मंडे को दुकान क्लोज रहती है। बाकी हमारा फेसबुक पेज भी है सुपर बाइक्स पर सरस्वती मोटर्स के नाम से, उसको जाके भी लाइक कर दो, वहाँ पर सारी बाइक्स हैं, सारा स्टॉक डला हुआ है, आपको कोई भी बाइक मिस आउट हो गई है मेरे से या पीछे मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। फोटोग्राफ्स, प्राइजेज, बाइक की डिटेल्स, एवरीथिंग इज़ मेंशन ओवर देयर। मोर ओवर मेरा भी इंस्टाग्राम हैंडल है आई एम जसनीत के नाम से, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये मेहनत नहीं करता है तो उसमें भी लिखा आ जाएगा वीडियो के ऊपर भी, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो। अगर वहाँ पे भी देखने को मिल जाए, सब कुछ अच्छा है तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, सबसे पहली बाइक वहीं आती है। सो थैंक यू। सो गाइस, यही था हमारा आज का पूरा वीडियो, पूरा लॉट तो अभी भी नहीं दिखाया, अभी भी काफ़ी कुछ रह गया है, बहुत सारी बाइक्स हैं, बहुत सारी बाइक्स खड़ी हैं, पर इतना ही कवर कर सकते हैं एक वीडियो में, वरना आप लोग भी कहीं बोर ना हो कि यार 40 मिनट की वीडियो खोलूँ ना खोलूँ। चैनल अर्जुन का बोलता मैं रहता हूँ तो आप लोग भी बोर हो जाते हो, तो उसी चक्कर में वी हैव टू मेक श्योर द वीडियो इज शॉर्ट सिंपल एंड फन विद जॉय। तो आज की वीडियो के अंदर आपको मैंने काफ़ी कलेक्टिव बाइक्स दिखाई, आपको कौन सी अच्छी लगती है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करके बताइएगा,
एंड विच वन वॉज योर फेवरेट, एंड कोई भी अगर आप कोई बाइक में से मिस आउट हो गई हो आप मेरे फेसबुक पे जाके भी देख सकते हो सुपर बाइक्स पर सरस्वती मोटर्स के नाम से। बाकी आइडियाज मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यार, वीडियो में इतना आगे आ गए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है कर दो, तो सबसे पहले आके सब्सक्राइब कर दो नीचे जाके। यार व्यूज तो दे देते हैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, जैसे अपनी पुरानी डुगाटी भी सही होगी ना, एक और डुगाटी आई है शायद। हाँ एक और डुगाटी दिखानी है मेरे पास, जैसे पिछली डुगाटी की वीडियो 2.5 मिलियन कुछ, 2.5 लाख कुछ चल रही है, 2.5 मिलियन 2.5 लाख कुछ चल रही है। सो कोई बात नहीं, 2.5 मिलियन भी हो जाएंगे बहुत जल्द, अगर आपका सपोर्ट रहेगा, ऐसे प्यार रहेगा तो 2.5 मिलियन भी दूर नहीं है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मोटिवेट करो यार अपने चैनल बनाने के लिए। मैं डेली आता हूँ, पहली बात मेरे को यही सुनने को मिलती है चैनल बना रहा हूँ, पर बनाना है यार, बस टाइम सा नहीं मिल पा रहा है, क्या करूँ बहुत बिजी हो गया हूँ, तो बस देखते हैं, लेट्स सी वेरी सून। चैनल भी खोल लेंगे, लिंक डाल दूँ क्या वो वाली वीडियो भी जो मैंने बनाई है, उसमें वो Z1000 और जो आपकी एक वीडियो है यूट्यूब पे 6 साल पुरानी। नहीं नहीं चुप चुप कुछ भी नहीं ऐसा। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा गाइज, एंड जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो बाइक के चैनल को, एंड आपको कौन सी बाइक अच्छी लगती कमेंट कर दो, कौन सी दूसरी देखना चाहते हो वो भी कमेंट कर दो। मैं कोशिश करूंगा कि सारी की सारी नई नई बाइक्स आपको दिखाता रहूं, नई नई बाइक्स लाता रहूं। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एग्जैक्टली, स्टे ट्यून्ड, दिस इज मिस्टर व्लॉग्स विद जस्टीत सिंह, सुपर बाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स। सो वी आर साइनिंग ओवर टुडे, टिल देन बाय बाय।